पाली के अंदर सारे जितने भी शब्द हैं उनके सारे रहस्य बहुत सिंपल और ऐसे ही दिखाई दे जाते हैं अगर कोई देखने वाला ध्यान से हो। एक शब्द है प्रभु, प्रभु परमेश्वर भी बोलते हैं। आज हम यहाँ प्रभु या प्रभु परमेश्वर का शब्दसार बताएंगे, शब्द का अर्थ बताएंगे। बेसिकली जो प्रभु है, क्योंकि आधा रे पाली में नहीं होता किसी भी तरह का, ऊपर शब्दों के ऊपर जो लगते हैं आधा रे वो, या शब्दों के नीचे जो लगते हैं आधे रे वो, इनमें से कोई भी आधा रे पाली प्राकृतिक भाषा के अंदर है ही नहीं, यानी पुरानी भाषा में ये नहीं है, भारत का ये आधा रे नहीं है, ये संस्कारित है, मॉडिफाइड है, संस्कार करके जोड़ा गया है, बनाया गया है। ये जो प्रभु है इसको पाली के अंदर बोलते हैं प्रभु, पे भ छोटी यू की मात्रा या बड़ी यू की मात्रा, प्रभु या प्रभु। प्रभु से अगर हम पे हटा दें, क्योंकि पे इसका जो उपसर्ग है यानी जो सबसे पहले लगते हैं, और भू खाली अलग शब्द है, तो भू का मतलब होता है जमीन से संबंधित होता है। जैसे हम कहते हैं भूपालो, भूपालो का मतलब है राजा, यानी जो भू को पालता है, यानी जमीन पर जितने लोग हैं उनको पालता है, उसको राजा बोलते हैं, भूपाला या भूपालो। आपने एक देखा होगा शब्द का नाम है एक बल और एक होता है प्रबल, पाली में इसको बोलते हैं बल या प्रबल, बल प्रबल या प्रबल। और अगर बल और प्रबल में अंतर देखें तो बल छोटा लगता है, प्रबल स्ट्रांग लगता है, यानी प्रबल के साथ, यानी पूरे बल के साथ उसने काम किया, बल का मतलब खाली बल के साथ किया। ऐसे ही भू और प्रभु में यही अंतर है, जो भू का स्वामी होता है, भू का मालिक होता है, जिसका भू का अधिपत्य होता है, या जो भू का लॉर्ड होता है, जमीन का लॉर्ड होता है, जो जमीन को जोतता है या जमीन को अपने कब्जे में रखता है, और अगर बड़े ज्यादा रखें उसको स्ट्रांग करें तो उसको बोलते हैं प्रभु यानी प्रभु। तो पुराने समय में जिनके पास लैंड होती थी या जो लैंड पर काम करते थे, जमीन पर काम करते थे, खेत में काम करते थे, और जो उस खेत के काम करते करते मालिक हो गए, बहुत पहले से करते थे, वो सारे लोग प्रभु हैं, उनको ओवरलोड बोलते हैं, ओवरलोड, अवरलोड नहीं, ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब है अधिपति, पति का मतलब होता है मालिक, और अधि माने जो अधिकार रखता है, यानी कि उसका अधिकार रखने वाला मालिक हो गया। ये यहाँ मालिक, स्वामी, अधिपति, लॉर्ड, ओवरलॉर्ड, इन सब के लिए ये इस्तेमाल होता है। एक प्रभुत्व होता है, प्रभुत्व, प्रभुत्व उसको बोलेंगे संस्कृत भाषा में, और प्रभुत्व बोलते हैं, ये प्रभु से बना हुआ है, प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब है नाउन हो गया, यानी कि जो उस पर अधिकार रखे, जो उसका स्वामी हो, जो उसका मालिक हो, जो डोमिनेंसी हो, जो अथॉरिटी रखता हो। यानी आपने देखा होगा कि कहते हैं भाई इस पर इसका कब्जा है, ये तो इसका प्रभुत्व है इस पर, तो या ये जमीन है इस पर इसका प्रभुत्व है, या ये मकान है इस पर इसका प्रभुत्व है, या ये जो काम है इस पर इसका प्रभुत्व है, या ये जो पूरा पूरा सिस्टम इसने चलाया हुआ है इस पर इसका प्रभुत्व है, या जो जानकारी है उसका ये प्रभुत्व है, यानी उसका स्वामी है, उसका मालिक है, उसका वो अच्छी तरह से कब्जा करके बैठा हुआ है। ये प्रभु से बना हुआ है, प्रभुत्व बना हुआ है। ये सिंपल सा शब्द है। एक शब्द और आता है प्रभु परमेश्वर, बहुत चलता है प्रभु परमेश्वर। इसमें प्रभु तो मैंने आपको बता दिया, पे और भू करके बना हुआ है, और परम होता है, परम का मतलब है द एक्सलेंट, यानी द बेस्ट, जो सबसे अच्छा होता है उसको परम बोलते हैं। और परम ईश्वर, इसी का मतलब मैंने आपको पहले बताया जब ईश्वर का शब्द बताया था, आप एक बार वीडियो देख लें, फिर भी यहाँ इसी का मतलब होता है जो तप करता है, साधना करता है, और जो जीवन के बारे में रहस्यों को खोजता है, ऐसे व्यक्ति को इसी बोलते हैं पाली के अंदर, और बाद में संस्कृत भाषा में इनको ऋषि बोलते हैं, आज की डेट में उनको साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बोलते हैं। तो इसी और वर माने होता है बेस्ट, यानी श्रेष्ठ, जो उसमें सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ एक्सलेंट या श्रेष्ठ दो बार आता है, परम और वर में आता है। तो प्रभु परम परमेश्वर का मतलब है, प्रभु का मतलब हो गया स्वामी या अवर लॉर्ड या अधिपत्य या जो उसका काम का जानकार है वो प्रभु, और परम माने द बेस्ट, इसी माने हो गया साइंटिस्ट, और ईश्वर वर माने हो गया बेस्ट। ये इसके सिंपल से शब्द हैं। ये सारे शब्द पाली में बहुत सिंपल से हैं और उन्हीं शब्दों से ये बल्कि बना है। बेसिकली ये आप इसको कैसा इस्तेमाल करते हैं, आपको ये कैसा बताया जाता है, आपके मन मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में, इसको कितना हाइपर करके, कितना ऊंचा करके डाला जाता है, और या किसी शब्द को कितना नीचा करके डाला जाता है, इससे आपके माइंड में उस शब्द का पूरी तरह से एक फाइल और एक कोड बनता है,
उसी तरह से आप एक्ट करते हैं, उसी तरह से आप काम करते हैं। आप जो काम करते हैं उस काम के आप प्रभु हैं, जो काम आप करते हैं उस काम के आप पंडित हैं। धन्यवाद।